स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल बंसल बायोलॉजी। इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द जैक स्टैट सिग्नलिंग पाथवे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। इफ वी सी द फुल फॉर्म ऑफ जैक, देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जैक? इट इज जैनस। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टैट? स्टैट की फुल फॉर्म होती है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इससे हमें पता चल गया, स्टैट के नाम से पता चल गया कि वो कुछ तो ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेशन करवाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर फैक्टर है। वो ऐसा फैक्टर है जो डीएनए के पास जाएगा और डीएनए को बोलेगा कि भाई तू ट्रांसक्रिप्शन कर। स्टैट के नाम से हमें पता चल गया। एंड जैक की फुल फॉर्म क्या है? जैक की फुल फॉर्म है जैनस काइनेज। काइनेज है यानी कि एंजाइम है, यानी कि किसी चीज को क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा। और जैनस का अगर हम लिटरली मीन समझे ना, जैनस का लिटरली मतलब क्या होता है, रोमन में टू फेस्ड गॉड्स होते थे। ठीक है, रोमन में क्या होते थे? टू फेस्ड गॉड्स होते थे। तो उधर से ये नाम आता है जैक का, क्योंकि इसका भी ना रिलेशन टू फेस्ड जैसा ही कुछ है। अभी जब हम सिग्नलिंग देखेंगे तो वहां से समझ आ जाएगा। और इनमें ये अंडर आते हैं आरटीके पाथवे के, जैसे कि जीपीसीआर पाथवे का एक पूरा हमने देख लिया, वैसे ही आरटीके पाथवे भी होती है। आरटीके पाथवे क्या होती है? रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज, ठीक है, ये वाली मेन पाथवे है। ये जो लाइगेंड मॉलिक्यूल होते हैं, दो टाइप के लाइगेंड मॉलिक्यूल इस पाथवे में वर्क करते हैं। पहला होता है साइटोकाइन, पहले होते हैं साइटोकाइन मॉलिक्यूल्स, और दूसरे होते हैं हॉर्मोन्स। दूसरे कौन से होंगे? हॉर्मोन्स होंगे। साइटोकाइन हम जनरली इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, और हॉर्मोन्स तो नॉर्मली सबको पता। अगर मैं इस जैक प्रोटीन की बात करूँ तो टोटल फोर टाइप के जैक्स फाइंड आउट होते हैं, जैसे कि जैक वन, जैक टू, जैक थ्री, एंड द लास्ट वन इज नॉट जैक फोर, इट इज TYK2। एंड वैसे ही जो स्टैट्स होते हैं मैमल्स में, वो टोटल सिक्स टाइप के स्टैट्स प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में। ठीक है, अगर हम जैक जैनस काइनेज की या फिर जैक की बात करें तो ये काइनेज है, यानी कि एंजाइम है। और स्पेसिफिकली ये कौन सा काइनेज होता है? ये टायरोसिन काइनेज है। टायरोसिन काइनेज यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये अमाइनो एसिड टायरोसिन को ही फॉस्फेट ग्रुप देगा, ये किसी और को फॉस्फेट ग्रुप नहीं देगा, बहुत पार्शियल है ये। तो यहाँ से आपको शायद क्लियर हो जाए कि रिसेप्टर प्रोटीन टायरोकाइनेज का क्या मतलब है। जीपीसीआर से अगर हम थोड़ा सा रिलेट करें तो जीपीसीआर में क्या था? मेम्ब्रेन रिसेप्टर था, उसके साथ जी प्रोटीन उसके पास में ही रहते थे। ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है इसके साथ कौन प्रेजेंट है? इसके साथ जैक प्रेजेंट होता है, जो कि बाउंड फॉर्म में रहता है। अब ये जो रिसेप्टर है, यहाँ पे कुल मिला के दो रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता, दो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही कोई लाइगेंड मॉलिक्यूल आता है, जो कि या तो साइटोकाइनिन भी हो सकता है या फिर हार्मोन भी हो सकता है, जैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, लाइगेंड मॉलिक्यूल आएगा और इन दोनों से करेगा बाइंड, वैसे ही इन दोनों रिसेप्टर्स की हो जाएगी डाइमराइजेशन, यानी कि डाइमर फॉर्म बना लेंगे और बहुत क्लोज आ जाएंगे। इनके क्लोज आने की वजह क्या है? इनके क्लोज आने की वजह यही है कि ये जो जैक है वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ सके, ताकि जो हमारी सिग्नलिंग है वो आगे बढ़ सके। तो हम यहाँ पे डाइमराइजेशन दिखा देते हैं। तो ये एक लाइगेंड है, सॉरी ये एक रिसेप्टर है, ये दूसरा रिसेप्टर है, और ये हो गया जैक, और यहाँ पर भी प्रेजेंट है जैक। अब क्या होगा, ये दोनों जैक क्या कर सकते हैं? टायरोसिन अमाइनो एसिड को फॉस्फोराइलेट कर सकते हैं, लेकिन ये खुद के टायरोसिन को तो फॉस्फोराइलेट कर नहीं सकते, क्योंकि एंजाइम का काम होता है किसी और मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना, वट एवर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों क्रॉस फॉस्फोराइलेशन करेंगे, ये इसको फॉस्फेट ग्रुप दे देगा और ये इसको फॉस्फेट ग्रुप दे देगा। ये तो ये दोनों बखूबी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस जैक ने इसको एक फॉस्फेट ग्रुप दे दिया और इस जैक ने इसको एक फॉस्फेट ग्रुप दे दिया, तो यहाँ पे हो गया क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये दोनों जैक क्या हो गए, और एक्टिवेट हो गए। अब ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, इसके पास भी टायरोसिन है। अब ये भी जिद कर रहा है कि भाई मुझे भी एक्टिवेट करो, मुझे भी फॉस्फेट ग्रुप दो। तो जैक बोलता है ठीक है, तू भी फॉस्फेट ग्रुप ले ले, तू भी हो जा एक्टिवेट।
तो किसने इन वाई को, इन दोनों वाई को किसने एक्टिवेट किया? इन दोनों वाई को भी इस फॉस्फोराइलेटेड जैक ने ही फॉस्फेट ग्रुप देकर किया है एक्टिवेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी, और यहाँ पे भी क्या आ गया? पी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आया? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइगेंड ने आके बाइंडिंग की, जिसकी वजह से डाइमराइजेशन हुआ। तो उसके बाद दोनों जैक्स ने क्रॉस फॉस्फोराइलेशन किया। फिर उसके बाद जो फोर्थ स्टेप था वो क्या था कि जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साइटोप्लाज्मिक एंड पे टायरोसिन ग्रुप प्रेजेंट था, उसका फॉस्फोराइलेशन हुआ। अब उसका फॉस्फोराइलेशन होने की वजह क्या है, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा एक और प्रोटीन के बारे में, जिसका नाम क्या है? हमारा स्टैट। ठीक है, ये जो स्टैट होता है इसके पास एक डोमेन होती है जिसका नाम होता है SH2 डोमेन, जो कि क्या करेगी, जो कि यहां जाके इस एक्टिवेटेड टायरोसिन के साथ बाइंड करेगी। ये वाला जब फॉस्फोराइलेट हो गया टायरोसिन, तो इसने क्या प्रोवाइड की? इसने डॉकिंग साइट प्रोवाइड की। ठीक है, डॉक्स होते हैं ना, जैसे समुद्र के किनारे पे डॉक्स होते हैं, तो वहां पे क्या क्या इसने डॉकिंग साइट प्रोवाइड की, जिसकी वजह से ये जो SH2 डोमेन है ये यहाँ आके बाइंड हो सके और इसका एक्टिवेशन करना हम शुरू कर सके। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं, वंस अगेन वही रिसेप्टर प्रेजेंट है, जैक प्रोटीन प्रेजेंट है, जैक प्रोटीन जो है वो फॉस्फोराइलेटेड है, एंड राइट नाउ ये जो वाई है वो भी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां पे आ गई SH2 डोमेन और उसके बाद हमारा स्टैट। इसने सिर्फ इतना सा प्रोवाइड किया, ये वाला जो टायरोसिन है इसने सिर्फ इतनी सी बात प्रोवाइड की, डॉकिंग साइट प्रोवाइड की, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। उसके अलावा जो इसका फॉस्फोराइलेशन होगा वो भी कौन करेगा? वो भी करेगा जैक ही। स्टैट का फॉस्फोराइलेशन भी किसने किया? जैक ने किया। तो सबका फॉस्फोराइलेशन का करने का जिम्मा किस पे है? जैक पे। जैक ने सबसे पहले एक दूसरे का किया, फिर टायरोसिन ग्रुप का किया, और उसके बाद स्टैट का किया। जैसे ही स्टैट मॉलिक्यूल हो जाएगा फॉस्फोराइलेट, वो साथ छोड़ देगा इसका, उसका तो काम निपट गया। तो वो क्या हो जाएगा? वो यहां से हो गया डिसोशिएट। डिसोशिएट होने के बाद अब ये जो SH2 डोमेन है इसका दूसरा फंक्शन आता है। SH2 डोमेन का पहला फंक्शन था इस फॉस्फेट के साथ जाके बाइंड होना, दूसरा फंक्शन है उसका डाइमर बनाना। अब क्या होगा, यहाँ पे ये स्टैट प्रेजेंट है, इसकी ये SH2 डोमेन है जो फॉस्फोराइलेटेड है, तो ये किसके साथ बाइंड हो जाएगी? ये बाइंड हो जाएगी हमारे दूसरे स्टैट के साथ, और यहाँ पे ये SH2 डोमेन और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो इस SH2 ने और क्या बनाने में मदद किया? और इसने डाइमर बनाने के लिए मदद किया। अब ये डाइमर जो है वो होमोडाइमर भी हो सकता है और ये डाइमर हेट्रोडाइमर भी हो सकता है। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि जो अगर स्टैट वन ने स्टैट वन के साथ पेयरिंग की तो फिर कौन सी कंडीशन होगी? होमोडाइमर की। लेकिन अगर स्टैट वन ने स्टैट फाइव के साथ की फॉर एग्जाम्पल, तो कौन सी कंडीशन होगी? तो हेट्रोडाइमर की हो गई है। सो होमोडाइमर हो और हेट्रोडाइमर हो, वट एवर, ये क्या बन गया? अब ये बन गया एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। नाउ ये कहाँ मूव कर सकता है? नाउ ये हमारे न्यूक्लियस में जा सकता है। तो वेयर इट विल मूव? इट विल मूव टू द न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस में पहुँच के ये क्या करेगा? न्यूक्लियस में पहुँच के इसको और कोफैक्टर्स मिलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कोफैक्टर्स, और ये सब जाके क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाएंगे बाइंड इस डीएनए से और किसी भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवा देंगे। फाइनली रोल क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन करवाना। यहाँ पे जिस रीजन पे ये बाइंड हो रहे हैं उस रीजन का भी स्पेसिफिक नाम होता है। यहाँ पे जिस रीजन पे ये बाइंड कर रहे हैं उस रीजन का भी स्पेसिफिक नाम है, स्पेसिफिक सिस रेगुलेटरी सीक्वेंस। यहाँ जाके ये क्या करेगा? यहाँ जाके ये बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो जीन है ये क्या हो गया? ट्रांसक्राइब हो गया। फाइनली हमारा मुद्दा क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन करवा देना। तो ऐसे पूरा जैक स्ट्राइड पाथवे चलता है। फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप है कि लाइगेंड आके बाइंड होगा, दूसरा स्टेप है कि फॉस्फोराइलेशन होगा जैक का, तीसरा स्टेप है कि टायरोसिन ग्रुप जो रिसेप्टर पे साइटोप्लाज्मिक एंड पे प्रेजेंट है उसका फॉस्फोराइलेशन होगा, चौथा स्टेप है कि स्टैट आके बाइंड होगा, पांचवा स्टेप है वो डिसोसिएट होगा और डाइमर बनाएगा, सिक्स्थ स्टेप है कि वो जाके बाइंड हो जाएगा स्पेसिफिक सिस रेगुलेटरी सीक्वेंस पे और क्या करवा देगा? ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा।
टोटल अगर हम देखें, टोटल 30 प्रोटीन्स एंड हॉर्मोन्स होते हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ टोटल 30 साइटोकाइनिन एंड हॉर्मोन्स होते हैं जो जैक एंड स्टैट पाथवे से काम करते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो प्रोलैक्टिन हॉर्मोन। प्रोलैक्टिन हॉर्मोन जो होता है वो मिल्क इंड्यूसिंग हॉर्मोन होता है। तो ये प्रोलैक्टिन हॉर्मोन ब्रेस्ट में जाके क्या करवाएगा, मिल्क का प्रोडक्शन करवाएगा, यानी कि ये उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा जो कि मिल्क प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और क्या हो जाएगा, मिल्क का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टैट मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है स्टैट 5, और जो जैक मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है वो है जैक 1 एंड 2। ऐसे ही एक और है जैसे कि एरिथ्रोपोएटिन, अगर आपने सुना होगा, जो कि किडनी रिलीज करती है फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स RBC। तो इसमें भी क्या होगा, इसकी वजह से RBC का प्रोडक्शन होता है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की वजह से, और इसमें किसका रोल आता है, जैक 1 का और स्टैट 5 का। तो ये जो पूरी सिग्नलिंग है ये ऐसे ही चलती है, सेम सिग्नलिंग सेम चलेगी। यहाँ पे बस क्या होगा, यहाँ पे बस RBC प्रोडक्शन जीन्स प्रेजेंट होंगे या मिल्क प्रोडक्शन जीन्स प्रेजेंट होंगे, और पूरी ऐसे ही चलेगी जैक स्टैट पाथवे। So I hope this video is really helpful to you guys. Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.